सो गाइज वेलकम बैक एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ गाइज। आप सभी ने मेरे हौसले को कम नहीं होने दिया, कहीं ना कहीं आप सभी ने मुझे मोटिवेटेड रखा इस चीज़ के लिए। हमारे इस चैनल के बुरे सिचुएशन के अंदर आप सभी ने कहीं ना कहीं अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। काफ़ी सारे लोग ने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर DM किया, ट्विटर के ऊपर DM किया, मेरी हेल्प करने की पूरी कोशिश की। सो आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया जो भी आप समझे, मतलब सीरियसली दिल से मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बातें कर लेता हूँ कि गाइज मेरे साथ क्या हुआ था। सो 22nd ऑफ सेप्टेम्बर को भाई साहब मुझे यहाँ पे आफ्टरनून के अंदर, पहले मेरे दो वीडियोस के अंदर, फिर मेरे तीसरे चौथे पांचवे, ऐसे मेरे छह वीडियोस के अंदर लगातार मुझे स्ट्राइक मिला और मेरे वीडियोस को ब्लॉक कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। मैं टोटली, अब मेरा दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो गया कि क्या करूं, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर दो एक्टिव कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ चुके थे और यहां पर अगर एक और स्ट्राइक आ जाता तो मेरा चैनल पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाता और मैं अपने चैनल को शायद से कभी एक्सेस कर पाता। बट यहाँ पर दो एक्टिव स्ट्राइक के बाद मुझे काफ़ी लोगों ने सजेशन दी कि ऐसा करो वैसा करो, और आप सभी के सजेशंस को मैंने काफ़ी तरीके से फॉलो करने की कोशिश की, बट किसी भी तरह से मुझे ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं दिखाई दे रहा था। एट दी एंड कैसे करके मैंने उस क्लेमेंट से मैंने बातें की जिसने मुझे स्ट्राइक भेजे थे, और काफ़ी कुछ रिक्वेस्ट करने के बाद, काफ़ी सारी बातें करने के बाद उसने कहीं ना कहीं एट दी एंड इस चीज़ को समझा और उसने अपने स्ट्राइक को वापस लिया। सो आप सभी को मैं बस एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि अगर कभी भी गाइज, अगर आप में से कोई यूट्यूबर है, अगर आपको कभी भी एक्टिव कॉपीराइट स्ट्राइक्स आते हैं आपके किसी भी वीडियो के ऊपर, सो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप उन वीडियोस के ऊपर काउंटर नोटिफिकेशन करें, क्योंकि जब कभी भी आपके वीडियो के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आता है आपके पास दो ऑप्शन रहता है, या तो आप जिसने क्लेम मारा है उन वीडियोस के ऊपर आप उसको कांटेक्ट कर सक करके डायरेक्टली ईमेल के थ्रू बात कर सकते हैं, या फिर आप काउंटर नोटिफिकेशन भेज सकते हैं यूट्यूब को, फिर यूट्यूब उस चीज़ को उस जिस बंदे ने भेजा उसको भेजेगा, उसके उससे एविडेंस मांगेगा कि किस बेस पे वो कर रहा है। तो ये सारे प्रोसीजर्स आप फॉलो कर सकते हैं और जिससे आपका फ़ायदा हो जाए, उससे कहीं ना कहीं आप मतलब अपना चैनल को बचा सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो मेरे केस में क्या हुआ कि मैं काउंटर नोटिफिकेशन मैंने 3 से 4 बार किए, मेरा काउंटर नोटिफिकेशन हर बार रिजेक्ट हुआ है और मैं टोटली मतलब मैं टूट चुका था, लेकिन आप सभी लोगों ने मुझे काफ़ी द मोटिवेटेड रखा और मैंने उस बंदे से मैंने प्रॉपर तरीके से बातें की, और बातें करने के बाद थोड़ा बहुत किसी एक पॉइंट के ऊपर आके थोड़ा बहुत सेटलमेंट यहाँ पे किया गया और फाइनली उसने अपना स्ट्राइक वापस लिया और हमारा जो चैनल है फिर एक बार प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुका है चलने के लिए। और मैं बस बहुत ज़्यादा टेंशन में था गाइस, आप सभी ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, तो मैं बस आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए, और थैंक यू सो मच जिसने मुझे, एक एक बंदे ने जिसने मुझे सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए, आप लोगों ने मुझे मोटिवेटेड रखा है और मैं आप लोगों का कितना भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। मैं क्या कहूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट थैंक यू सो मच गाइस, दिल से आप सभी को थैंक यू सो मच। और हम लगातार बातें करते रहेंगे, वीडियोज़ बनाते रहेंगे। अगर आप में से कभी भी किसी को कुछ इशू होता है यूट्यूब से रिलेटेड, तो बिंदास होकर के आप मुझे DM कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर मुझसे बातें कर सकते हैं, हम ज़रूर इसके ऊपर आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। और हम सभी कहीं ना कहीं एक बोलते हैं ना कि प्रॉपर तरीके से अपने लाइन में चलेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज, अभी के लिए इतना ही, और जो भी लगता है कमेंट करिए, हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और धन्यवाद एक बार फिर से, बाय बाय।